एल स्पीड जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड 5 एंड्रॉयड 6 के टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और वन ऑफ माय फेवरेट एप्स एवर। अगर आपने अपने डिवाइस को रूट किया हुआ एंड्रॉयड को ट्वीक करना चाहते हो तो एल स्पीड आपको ज़रूर अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहिए। और एक सिंपल एक APK फाइल है अगर आपने डिवाइस को रूट किया हुआ है तो। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। उससे पहले मैं चलता हूँ सेटिंग्स में, चलते हैं थीम वाले ऑप्शन में। लेट मी यूज़ अ लाइट थीम, मुझे लाइट थीम ज़्यादा पसंद है बेसिकली। सो आप देख सकते हैं वैसे इसमें थोड़ा सा इशूज़ हो सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड 12.1 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं एंड्रॉयड 12.1 में ज़्यादा इशूज़ फेस नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे ट्राई आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोफाइल्स अवेलेबल, आपके पास बैकअप का ऑप्शन अवेलेबल, आपके पास उस बैकअप को रिस्टोर करने का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि अगर आपने कुछ ट्वीक्स ऑलरेडी अप्लाई करे हुए हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल्स की बात करेंगे तो बैटरी, बैलेंस्ड, परफॉर्मेंस, ये तीन जो प्रोफाइल्स हैं आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगी। अगर आपका फोकस है परफॉर्मेंस पे, आप उसे अप्लाई करेंगे तो जितने भी नॉर्मल ट्वीक्स हैं जो परफॉर्मेंस के टाइम पे यूज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएंगी। बैटरी के रिलेटेड बात करेंगे तो ऑफकोर्स बैटरी के ट्वीक्स और बैलेंस ट्वीक्स, तो ये सब चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है। अगर आपको ये प्री इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट जो प्रोफाइल्स हैं उन्हें यूज़ नहीं करना है तो आपके पास मैनुअली इन सब चीज़ों को अप्लाई करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल की चीज़ है, एक पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस वन। आप बैटरी के रिलेटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपके पास CPU के रिलेटेड कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं, CPU गवर्नर्स, GPU ट्यूनर और बहुत ही कमाल की चीज़ें। अगर आपका डिवाइस, अगर आपका कस्टम कर्नल या कोई भी आप कर्नल यूज़ करें इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है आपको अगर आप अपने डिवाइस में ट्राई आउट करना। तो रैम मैनेजमेंट में आपके पास तीन मोड्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली चार देखने को मिलते हैं, डिफॉल्ट, मल्टीटास्किंग, बैलेंस्ड और गेमिंग। अगर आप गेमर हैं, अगर आप गेमिंग वाले इसमें ऑप्शन को टिक करेंगे तो बैकग्राउंड में जो इसके जो ऐप्स हैं वो लिमिट हो जाएंगे, प्रोसेसेस लिमिटेड कर दी जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। अगर आप उसका मैं गिटहब का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज और ले सकेंगे। मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस वन। और अगर आपने अपने डिवाइस को रूट किया हुआ है तो आपको इसे जरूर ट्राई करना। ये फीचर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ कॉल्ड बूस्ट, ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे अभी हमने टाइम मैंने सेट कर दिया, आपको हर उतनी देर में जो अपने डिवाइस में बूस्ट देखने को मिलता रहेगा, मेमोरी जो फ्री होती रहेगी, रैम क्लियर होती रहेगी, तो ये आपके डिवाइस को थोड़ा सा स्मूथ बनाने में काफ़ी काम आता है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा ऑप्शन तो आपको इसमें देखने को मिल ही जाएंगे। क्लीनर भी इसका बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, आपका कैच आप क्लियर कर सकते हैं, जंक फाइल्स आप क्लियर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप एक ही ऐप में कर सकते हैं। ओवरऑल LSpeed is one of the best and must have Android app. मेरे ख्याल से इसे आपको अपने डिवाइस में जरूर ट्राई करना चाहिए। बस यही सब चीज़ मैंने को बतानी थी। एक APK फाइल है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको LSpose या मैजिस कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस इसको रूट परमिशन ग्रांट करनी है एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Like I'm floating through the air.